सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में किस्ट मोड के बारे में। तो किस्ट मोड आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसको कैसे आप लोग अपने वीवो के फ़ोन में यूज करेंगे। और इसमें आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपका नेट बंद हो जाता है, तो उसको कैसे आप ऑन कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं और इसके फीचर के बारे में आप लोग को बताएंगे। हम बात करेंगे इसके अपडेट कैसे करेंगे इसको, उसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूं किस्ट मोड क्या होता है। तो आप लोग को देखने को मिल जाता है इसमें ये वाला ऐप, आप लोग को देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग जाके अपने फ़ोन में ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें 6 ऐप्स मिल जाते हैं, और भी ऐप्स आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा, इसके सेटिंग पे जाएंगे। तो इसके सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा। तो या तो अपना फिंगर लगाए होंगे तो फिंगर से आप खोल सकते हैं, नहीं तो अपना पासवर्ड यहाँ से आप लोग डाल के ओपन कर सकते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो अगर यहाँ पे जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपका नेट बंद हो जाता है। तो नेट को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डाटा नेटवर्क पे जाना है। तो डाटा नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप 30 MB तक यूज करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं, 50 MB तक यूज करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है 100%। तो यहाँ पे 100 MB तक आप लोग यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इस पर क्लिक करके रख दिया हूँ। जैसे नीचे वाले पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपका नेट चलने लगेगा। तो यहाँ से ये फीचर आप लोग को देखने को मिल जाता है। और एक बात बता दूँ दोस्तों, जैसे कि नीचे आप लोग को देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से, आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे कि आपके फ़ोन में न्यू अपडेट आता है इसका, तो आप लोग कर सकते हैं। कल मेरे फ़ोन में अपडेट आया था तो मैं अपडेट किया था। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया होगा तो आपके वर्जन यहाँ पे रोल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है वर्जन जो है मेरा अपडेट का 2.2.1.3.RC10। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता कुछ इस तरह से, पहले वाला था कुछ और मैं आप लोग को दिखाया नहीं, लेकिन मैं कल अपडेट कर लिया था। तो यहाँ पे कुछ फीचर इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग अपने फ़ोन में अपने बच्चे को देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो आपके फ़ोन में बच्चे कोई भी ऐप्स को ओपन कर देते हैं, तो इसमें आप लोग इसको करके देंगे तो आपके फ़ोन में सिर्फ 6 ऐप्स अनेबल रहेगा। आप जैसे अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन और कैमरा यही सब यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाता है लो बैटरी टू डू। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपका बैटरी का बैकअप भी बढ़ जाएगा, आपके फ़ोन का जो कि बैकअप बढ़ जाता है इसमें इसको यूज करने से। और यहाँ पे और भी फीचर आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टाइम मिलता है आपको 10 मिनट, और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा 13 मिनट 1 घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप जितने घंटे तक आप लोग यूज करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोग अपने फ़ोन में इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी जाके अपना टाइम को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है। और इसमें एक ऑप्शन जैसे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे 10% या 20% बैटरी, यहाँ पे या तो 15%, तो 50% आप लोग अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या तो 20% या तो 10%, जिस हिसाब से आपको यूज करना उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं 50% पर रखा हूँ, तो यहाँ पे 50% पे कुछ मेरा बैटरी का टाइम बता देगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है वॉलपेपर सेटिंग। तो यहाँ पे वॉलपेपर सेटिंग से आप लोग अपने फ़ोन में अलग अलग वॉलपेपर यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं इस पर। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन में जाते हैं स्क्रीन पर और भी ऐप्स लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है मैं 6 ऐप्स यूज कर रहा हूँ। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अगर इसमें और भी रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरा गूगल का है, तो यहाँ पे गूगल को यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपका जो कि ऐप्स स्क्रीन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे 7 ऐप्स देखने को मिल जाता है।
तो आप जिस हिसाब से अपने फ़ोन में यूज करना चाहेंगे उस हिसाब से आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं किस्ट मोड में। तो आप लोग को ये देखने में बेटर लगता है, अगर आपके फ़ोन में घर में कोई भी आपका फ़ोन ले लेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना ही ऐप वो चला सकता है और कोई ऐप से यहाँ पे चला नहीं सकता। अगर आप अपने फ़ोन में कैमरा और जैसे कि डायलर और कॉन्टैक्ट नंबर और SMS को रखना चाहते हो तो SMS भी रख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई भी है यूज कर रहा फ़ोन आपका, तो इसमें इतना ही ऐप्स मिलेगा, वो नहीं ऐप्स को ओपन कर सकता और कोई ऐप को नहीं ओपन कर पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया दोस्तों बच्चों के लिए और भी बेटर है। अगर आपके फ़ोन का बैटरी भी इससे बैकअप हो जाएगा, आपके फ़ोन का बैटरी का बैकअप वगैरह सब कुछ बेटर हो जाता है इससे दोस्तों। तो आप लोग अपने सेटिंग पे जाके इसको सेट भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन में किस्ट मोड को ओपन भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप लोग जाके अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो कि किस्ट मोड के बारे में यहाँ पे आप लोग को दिखा बताया, जैसे कि इसी तरह से आप लोग अपने फ़ोन में जाके यूज कर सकते हैं इसको, और बेटर है दोस्तों इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता इसके यूज करने में, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। और इससे आपको अगर बाहर अपने फ़ोन से जाना है तो यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे अपना पासवर्ड डालेंगे तो आप अपने होम स्क्रीन पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे कि मैं बताया, तो इसको आप लोग जाके अपने फ़ोन में अपडेट भी कर लीजिए और इसके फीचर वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।